हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर एक, तो भारत माता किनकी कविता है? भारत माता किनकी कविता है? तो ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन पंत की। क्वेश्चन नंबर दो, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी 1900 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर तीन, सुमित्रा नंदन पंत के पिता थे? तो ऑप्शन नंबर डी गंगादत्त पंत। ठीक। क्वेश्चन नंबर चार, सुमित्रा नंदन पंत की माता थी? तो ऑप्शन नंबर डी सरस्वती देवी। क्वेश्चन नंबर पांच, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? पांच का ऑप्शन नंबर सी यथातिथ्य। क्वेश्चन नंबर छह, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? छह का ऑप्शन नंबर डी छायायुक्त चंद्र से। क्वेश्चन नंबर सात, पंत जी प्रख्यात हैं? सात का ऑप्शन नंबर ए छायावादी कवि हैं। पंत जी छायावादी कवि हैं। क्वेश्चन नंबर आठ, पंत जी को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? आठ का ऑप्शन नंबर सी चंद्रा। क्वेश्चन नंबर नौ, कवि पंत जी के अनुसार भारत माता का आंचल कैसा है? नौ का ऑप्शन नंबर बी धूल भरा। क्वेश्चन नंबर दस, पंत की प्रमुख काव्य कृति है? दस का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, कवि के अनुसार भारत माता के कितने संतान नग्न तन भूखे अशिक्षित और निर्धन हैं? तो 11 का ऑप्शन नंबर ए 30 करोड़। क्वेश्चन नंबर 12, सुमित्रा नंदन पंत रचित कविता भारत माता किस काव्य संग्रह से संकलित है? 12 का ऑप्शन नंबर बी ग्राम्या। क्वेश्चन नंबर 13, पंत जी के अनुसार भारत माता है? तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत माता ग्राम वासिनी खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मेला सा आंचल प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो 14 का ऑप्शन नंबर बी भारत माता से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 15, किस कवि का आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? 15 का ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 16, स्वर्ण सस्य पद तंतु लुठित धरती सा सहिष्णुता मन कुठित प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? 16 का ऑप्शन नंबर डी भारत माता से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 17, सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? 17 का ऑप्शन नंबर ए भारत माता को कहा है। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सी रचना कभी पंत की नहीं है? 18 का ऑप्शन नंबर बी स्वदेशी। क्वेश्चन नंबर 19, कवि पंत के अनुसार भारत माता कैसी है? तो 19 का ऑप्शन नंबर ए ग्राम वासिनी, भारत माता ग्राम वासिनी है। क्वेश्चन नंबर 20, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो 20 का ऑप्शन नंबर बी सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 21, प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि हैं? 21 का ऑप्शन नंबर बी सुमित्रा नंदन पंत।
क्वेश्चन नंबर 22, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? 22 का ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत की। क्वेश्चन नंबर 23, चिदंबरा किनकी रचना है? 23 का ऑप्शन नंबर ए, पंत की। क्वेश्चन नंबर 24, किस कवि के पिता कोसानी टी स्टेट में अकाउंटेंट थे? किस कवि के पिता कोसानी टी स्टेट में अकाउंटेंट थे? 24 का ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत की। क्वेश्चन नंबर 25, प्रख्यात छायावादी कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 26, कवि पंत के अनुसार गंगा यमुना में क्या प्रभावित हो रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, आंसू जल प्रभावित हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कवि के अनुसार भारत माता की कितनी संतान और सभ्य और शिक्षित और निर्धन है? तो 27 का ऑप्शन नंबर सी, 30 कोटि। क्वेश्चन नंबर 28, कवि ने भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना किससे की है? तो ऑप्शन नंबर डी, छायायुक्त चंदन चंद्र से। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, ग्राम्या किनकी रचना है? तो 29 का ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रा नंदन पंत की। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सी रचना पंत जी की है? तो ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण किरण। क्वेश्चन नंबर 31, सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? 31 का ऑप्शन नंबर ए, उदास मिट्टी की। क्वेश्चन नंबर 32, सफल आज उसका तप संयम पिला अहिंसा अस्तन्य सुधुंतम, प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? 32 का ऑप्शन नंबर बी, भारत माता की। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, रेमोहन। क्वेश्चन नंबर 2, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा रचित कविता कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी। क्वेश्चन नंबर 3, स्वदेशी कविता किससे संकलित है? 3 का ऑप्शन नंबर ए, प्रेमघन सर्वसर्व से। क्वेश्चन नंबर 4, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म कब हुआ था? 4 का ऑप्शन नंबर ए, 1855 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5, परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? 5 का ऑप्शन नंबर बी, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। क्वेश्चन नंबर 6, प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? 6 का ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। क्वेश्चन नंबर 7, प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? 7 का ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु युग के। क्वेश्चन नंबर 8, आनंद करामदिनी मानसिक पत्रिका का संपादक किया है? आठ का ऑप्शन नंबर बी, प्रेमघन ने किया। क्वेश्चन नंबर 9, कवि प्रेमघन के अनुसार अब लोग किस भाषा का प्रयोग अधिक कर रहे हैं? कवि प्रेमघन के अनुसार अब लोग किस भाषा का प्रयोग अधिक कर रहे हैं? 9 का ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी भाषा का। क्वेश्चन नंबर 10, प्रेमघन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति रहे थे?
प्रेमघन साहित्य सम्मेलन 21 अधिवेशन के सभापति रहे थे। डेस्क ऑफ से नंबर डी कोलकाता अधिवेशन में। प्रश्न नंबर 11, प्रेमघन जी कवि के साथ साथ थे, तो 11 का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। प्रेमघन जी कवि के साथ निबंधकार, नाटककार, समीक्षक भी थे। क्वेश्चन नंबर 12, कवि प्रेमघन के अनुसार भारतीय हाट बाजार किस सामान से भरा पड़ा है? 12 का ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी से। क्वेश्चन नंबर 13, रसिक समाज की स्थापना किस कवि के किया है? रसिक समाज की स्थापना किस कवि ने किया था? 13 का ऑप्शन नंबर सी प्रेमघन ने। क्वेश्चन नंबर चौदह, कवि के अनुसार क्या देखकर भारत में भारतीयता कुछ नहीं दिखती है? चौदह का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत के लोग क्या बनकर खुशामत और झूठी प्रशंसा में लगे हैं? कवि प्रेमघन के अनुसार भारत के लोग क्या बनकर खुशामत और झूठी प्रशंसा में लगे हैं? 15 का ऑप्शन नंबर सी बखाली। क्वेश्चन नंबर 16, बोली सकत गड़ नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उद्योग। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 17, स्वदेशी कविता में कवि को भारत में अब क्या दिखाई नहीं पड़ता है? 17 का ऑप्शन नंबर ए भारतीयता नहीं दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18, .. भारतीय देखी कहूं सकत नहीं पहचान मुसलमान हिंदू किधर के किस्तान। क्वेश्चन नंबर सही ऑप्शन नंबर ए मनुज भारतीय देखी कहूं सकत नहीं पहचान मुसलमान हिंदू के हैं ये किस्तान। क्वेश्चन नंबर 19, प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? 19 का ऑप्शन नंबर डी मिर्जापुर में। क्वेश्चन नंबर 20, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? 20 का ऑप्शन नंबर डी प्रेमघन का। क्वेश्चन नंबर 21, प्रेमघन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? 21 का ऑप्शन नंबर बी जीव जनपद।